दुनिया में शुक्रवार को कोरोना का और विकराल रूप सामने आया। गुरुवार को 24 घंटे में कोरोना के न सिर्फ 96,000 नए मामले सामने आए, बल्कि 7,000 लोगों ने इसकी वजह से अपनी जिंदगी गंवा दी। वेबसाइट वर्ल्डोमीटर के मुताबिक फिलहाल दुनिया में 21,82,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस हैं, जबकि मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 1,45,000 को पार कर गया है। दुनिया में अब 15,00,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, जबकि करीब 57,000 लोगों की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि पूरी दुनिया में अब तक 5,47,000 से ज्यादा लोग कोरोना को मात देकर घर लौट चुके हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें अमेरिका में हुई हैं। अब यहाँ मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 34,617 हो गया, जबकि 6,77,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। फ्रांस से भी डराने वाली स्थिति सामने आई है। यहाँ एक ही दिन में कोरोना के 17,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आए हैं।